खिलाफत-ए-उस्मानिया का दौर इस्लामी तारीख का सुनहरा दौर था। ये एक ऐसा वक्त था जब उम्मत-ए-मुस्लिमा कभी बाज़ंतीनियों तो कभी मंगोलों के हाथों तबाह हो रही थी। ऐसे वक्त में उम्मत को नई और अज़ीम-उश-शान रियासत बनाए जाने की जरूरत थी। 656 हिजरी पा मुताबिक 1258 ईस्वी एक तुर्क सरदार अर्तुरुल गाजी के हां एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान ने मुसलमानों की तकदीर बदल डाली और इन्हीं के हाथों सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। कालानूस निजामुद्दीन से कालीन की दुकान में मिलता है। और शेख इदब अली के बारे में मालूमात लेता है ताकि वो रात के इस अंधेरे में ही शेख इदब अली को खत्म कर सके और सोफिया को हासिल करने में कामयाब हो सके। निजामुद्दीन उसे बताता है कि शेख इदब अली और बाला खातून अपने घर में हैं। सब रात को सोने की दुआ मांग कर सो चुके होंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनकी दुआएं हमें उनका दरवाजा खोलने से रोक सकती हैं। फिर हमारे सिपाही सब पहरेदारों को मार देंगे और तुम उनके घर में दाखिल होकर अपना काम पूरा कर दो। ये सारी मंसूबा बंदी सुनकर कालानूस वहां से चला जाता है। उस्मान बतुर को बोरान के साथ कबीले रवाना कर देता है और खुद बामसी सामसा अब्दुलरहमान गाजी और कौनूर के साथ सेल्वाडोर को लेकर एक गुफा में पहुंच जाता है। फिर सेल्वाडोर को उल्टा लटकाकर पानी की बाल्टी में बार बार उसका मुंह डुबाता है तो सेल्वाडोर उसे बताता है कि आज रात कालानूस शेख इदब अली को मारने वाला है। ये बात सुनकर अब्बास के कातिल को बामसी के हवाले करके उस्मान और सामसा अल्ब बाकी सब के साथ शेख इदब अली को बचाने के लिए रवाना हो जाते हैं। इब्नुल अरबी और उनके साथी बाजार में एक दुकान के अंदर मट्टी के बर्तन बनाने में मसरूफ होते हैं कि तभी वहां अलीशार और उसके सिपाही दाखिल होते हैं, लेकिन इब्नुल अरबी उन्हें कोई अहमियत नहीं देते, जिसकी वजह से अलीशार साहब गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि एक सरदार का आदार कैसे किया जाता है, जबकि तुम जिस बाजार में मौजूद हो वो मेरी सरजमीन पर है। ये कैसी बेअदबी है? इब्नुल अरबी जवाब देते हैं कि आप बिना बताए अंदर दाखिल हुए और सलाम भी नहीं किया और सवाल जवाब शुरू कर दिए, तो बेअदब हम हैं या आप? ये सुनकर आलीशार साहब शर्म से नजरें झुका लेते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो बस ये पूछने आया था कि आप बिना इजाजत इस बाजार में कैसे आ गए, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। फिर इब्नुल अरबी कहते हैं कि हमारे दोस्तों ने इस सरजमीन पे खून बहाया है तो इस लिहाज से ये हमारी भी सरजमीन हुई। तो अलीशार साहब ये कहकर वहां से चले जाते हैं कि आपके यहां होने से हमें भी ताकत मिलेगी। अब क्या उस्मान वक्त पर पहुंचकर शेख इदब अली की जान बचाने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखिए गुरुरुस उस्मान कार्टून सीरीज।